ताजमहल का इतिहास। ताजमहल उत्तर प्रदेश भारत में स्थित एक आकर्षक महल है जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। इसकी रचना 1631 से 1653 तक की गई थी। आगरा की धरती ने ताजमहल के लिए एक अनुकूल स्थल प्रदान किया जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थल का चयन शाहजहां ने कुछ विचार विमर्श के बाद किया था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था। उस समय मुगल साम्राज्य विशेष रूप से सांस्कृतिक और कला में विकसित था। मुगल कला और स्थापत्य। शाहजहां के समय में मुगल कला और स्थापत्य ने एक उन्नत और अनूठा रूप लिया। ताजमहल इस विचार को दुरुस्त करता है जिसमें पर्शियन, तुर्क और हिंदू स्थापत्य का मिश्रण दिखाई देता है। ताजमहल की रचना के पीछे का कारण। मुमताज महल की याद। ताजमहल का मूल उद्देश्य मुमताज महल की प्रेमिका और शहजादी के लिए एक संवेदनशील श्रद्धांजलि बनाना था। उनकी मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद को अमर बनाने का फैसला किया था। अकलमंदी और सोचने की क्षमता। शाहजहां की अकलमंदी और विचारों का ताजमहल में प्रतीत होता है। उन्होंने इस महल को बनाने में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया। ताजमहल का निर्माण महान कला का प्रदर्शन। ताजमहल का निर्माण लगभग 22 वर्षों तक चला। इस समय में लगभग 20,000 कलाकारों ने एक महान कला का प्रदर्शन किया। सफेद संगमरमर का उपयोग। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ जो उसको उसके अद्भुत स्वरूप में भर दिया। सफेद रंग का संगमरमर इस महल को प्राकृतिक से मेलजोल देता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल स्मार्ट हम्माद YT को सब्सक्राइब करें।